93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। अखिल ने जो घर 15 दिन पहले देखकर फाइनल किया था, आज उसे वहां पर शिफ्ट करना था। सारा सामान ट्रक से थोड़ी देर में पहुंचने वाला था। अखिल वो पहले पहुंच गया और फ्लैट का ताला खोलकर जैसे ही अंदर घुसा, एक अजीब सी महक से पूरा घर भरा पड़ा था। ये महक तो फिर भी ठीक थी। उसने एक बंद दरवाजे से आती हुई आवाज सुनी। अखिल ने जब उस कमरे के दरवाजे को खोला तो जो देखा वो चौंकाने वाली चीज थी। इस कमरे में ना ही कोई वेंटिलेटर था और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी, और कमरे का मेन दरवाजा भी बंद था, तो ये कबूतर यहां कैसे आया? अखिल ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और जल्दी जल्दी पूरे फ्लैट की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए कि वो कबूतर बाहर निकल जाए। थोड़ी देर में सारा सामान भी आ गया। पूरे घर में चीजें सेट करने में काफी रात हो गई थी। रात को सोते वक्त उसकी नींद एक बड़ी अजीब सी लेकिन जोर से आती आवाज से खुली। अखिल उठा, बाहर हॉल में गया तो देखा कि आवाज फ्रिज से आ रही थी। सोचा सुबह आदमी बुला के ठीक करवा लूंगा, और उसने फ्रिज का स्विच ऑफ किया और फिर सोने चला गया। लेट के थोड़ी देर ही सुस्ताया होगा अखिल कि एक बार फिर आती हुई नींद में उसे वही आवाज सुनाई थी। अखिल उठकर वापस फ्रिज के पास गया, थोड़ी देर फ्रिज के आगे पीछे देखा कि आखिर यह आवाज आ क्यों रही है। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो फ्रिज का प्लग भी उसने निकाल दिया और सुकून की एक सांस ली कि तभी एक और आवाज उसकी नींद खराब करने को जैसे तैयार बैठी थी। कमरे का दरवाजा खोला तो एक कबूतर कमरे के अंदर घूम रहा था। ये रात किसी तरह कटी। सुबह पूजा होने वाली थी घर में, तो 10 बजे तक उसकी बीवी पारुल मायके से अपने मम्मी पापा के साथ आ गई थी। हवन की सारी तैयारियां हो चुकी थी। बस 11 बजे के मुहूर्त और पंडित जी का इंतजार था। जब 11 बजने में 1 मिनट बचे तो अखिल से रहा नहीं गया और उसने पंडित जी को फोन मिलाया। फोन उठते ही उसने पूछा कि आप कहां हैं? बदले में पंडित जी हंसते हुए जोर से बोले, अरे जजमान, पहुंच गया हूं। आपका दरवाजा तो खुला ही है, सामने देखिए, सीढ़ियों पे ही हूं मैं। अखिल दरवाजे से बाहर निकला तो सचमुच सीढ़ियों पे पंडित जी को देख के खुश हो गया। उनके हाथ से सामान लेने के लिए आगे बढ़ा ही था और पंडित जी आखिरी सीढ़ी चढ़ने ही वाले थे कि ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें उठाकर फेंक दिया हो। लुढ़कते हुए 20 सीढ़ियों से नीचे एक जोर की आवाज के साथ गिर पड़े और दर्द से चीखने लगे। अखिल की नजर एक झलक में पंडित जी पर गई और दूसरी झलक सीढ़ियों के पास बनी खिड़की पे, जहां पर एक कबूतर बैठा था। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। अखिल के नए घर में आज पूजा थी और पूजा की एक रात पहले उसने अपने घर में जब सारा सामान शिफ्ट किया तो देर रात कई तरह की आवाजें उसके सामने हुई, जिनसे वो सारी रात परेशान रहा। और अगले दिन जब वो घर में पूजन करवाने आए पंडित जी के हाथों से सीढ़ियों पर ही सामान ले रहा था कि तभी उसकी आंखों के सामने पंडित जी तकरीबन 20 सीढ़ियां पीछे जाकर गिरे। सीढ़ियों के पास वाली खिड़की पर नजर गई
एक कबूतर बैठे आवाज कर रहा था। पंडित जी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। देर शाम जब उन्हें होश आया तो अखिल से बोले कि उस घर में कोई दोष है, वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अखिल को ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। शाम तक पंडित जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उनको उनके घर तक छोड़कर अखिल जब अपने घर पहुंचा तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके जब वो घर की ओर जा रहा था कि उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। पलट के देखा तो जैसे किसी के कदमों की आवाज अचानक रुकी हो। अखिल ने इधर उधर देखा और फिर वापस घर की तरफ आगे बढ़ा तो वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो रुका लेकिन उसने पलटकर पीछे नहीं देखा। नजरें जब जमीन पर अपनी परछाई पर गई तो उसने दो परछाइयां देखी, जिनमें से एक परछाई थोड़ा सा हिली और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इस बार अखिल ने पूरी हिम्मत जुटाई और पलट के देखा। दूर दूर तक पूरे पार्किंग लॉट में उसे कुछ नजर नहीं आया, पर जब नजर अपनी गाड़ी पर गई तो देखा कि गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन है। अखिल को अच्छे से याद था कि उसने सब कुछ बंद किया था, फिर ये कैसे हुआ? अखिल ने आगे बढ़कर गाड़ी की लाइट स्विच ऑफ की और पलटकर जैसे ही वापस घर की तरफ जाने लगा कि एक आवाज आई। पलट कर देखा तो गाड़ी के कांच पर पहले अंदर से भाप बनी और किसी ने अपनी उंगलियों से एक हंसता हुआ चेहरा बनाया। इतना सब कुछ देखने के बाद अखिल ने जोर जोर से चिल्लाकर वॉचमैन को आवाज लगाई, वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। वो जब दौड़ा दौड़ा आया तो अखिल ने उसे पूछा, यहां कोई गड़बड़ है क्या? मतलब किसी भूत प्रेत का साया या ऐसा कुछ? वॉचमैन ने कहा, मालिक मुझे तो बस दो ही दिन हुए हैं यहां ड्यूटी पे लगे हुए, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक। अखिल ने एक झलक दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो वो हंसता हुआ चेहरा अब उसकी गाड़ी की कांच पर नहीं था। डरा डरा अखिल घर की ओर गया तो देखा लिफ्ट खराब थी, इसलिए सीढ़ियों से ही अपने फोर्थ फ्लोर वाले घर पे जा रहा था कि तभी सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर फ्लोर की दीवार पर उसे वो हंसता हुआ चेहरा दिखा। जब वो तीसरे माले पे था तो उसे और एक आवाज सुनाई दी। दौड़ता हुआ अखिल जब ऊपर गया तो एक आधा बना हुआ चेहरा वहां था और जमीन पर एक चौक का टुकड़ा पड़ा था। दौड़ते हुए अखिल छत पर गया कि शायद ये किसी की बदमाशी और जो कोई भी है वो इस वक्त छत पर ही होगा। तो पूरे छत पर वहां से कोई दिखाई नहीं दिया, बस सुनाई दी तो एक आवाज। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। अखिल के नए घर में उसे ऐसी ऐसी परेशानियां हुई कि उससे रात को सोया नहीं गया। उसकी कार हो, बिल्डिंग की पार्किंग हो या सीढ़ियां, हर जगह उसकी आंखों के सामने उसे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी। किसी का पीछा करते हुए जब वो छत पर देर रात गया तो दिखाई उसे कुछ नहीं दिया, बस एक आवाज आ रही थी।
घर में घुसने के बाद भी उसे बस दिन भर की सारी बातें परेशान किए जा रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि टीवी देख लिया जाए। अखिल ने टीवी ऑन किया और फिर थोड़ा कुछ खाने का लेकर खाते खाते टीवी देखने लगा। हल्की हल्की झपकियां उसे रह रह कर आ रही थी। टीवी देखते देखते अखिल को अचानक समझ आया जैसे उसे घुटन सी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी, गले पे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला पकड़े है, और अचानक ऐसा लगा जैसे गला बहुत तेजी से कोई दबा रहा हो। अखिल के हाथ से कटोरी छूट कर नीचे गिर गई। वो हड़बड़ाते हुए उठा, खिड़की के पास गया और गहरी सांसें लेकर वापस आया। उसने फर्श को साफ किया और सोफे पे बैठ के दोबारा टीवी देखने लगा। इस बार दोनों हाथ अखिल के सोफे के शोल्डर रेस्ट पे थे। उसे हल्की सी झपकी आई तो ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके हाथों को जकड़ लिया है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। अखिल धीरे धीरे ताकत बढ़ाता जा रहा था लेकिन उधर से भी ताकत बराबर लग रही थी। ज्यादा तब हो गया जब अखिल को कंधों में दर्द होने लगा। जब अखिल से और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो किसी तरह बाहें मरोड़ के उसने झटके से खुद को छुड़ा लिया। बैठा बैठा जमीन पे हांफ रहा था। पूरे घर की उसने बत्तियां जलाई और हर जगह देखा, कहीं कोई नहीं था। सिर्फ नीचे सड़क पर इक्का दुक्का निकलती गाड़ियों की आवाज थी। अखिल ने टीवी बंद किया और आराम से चेयर पे बैठा। थोड़ी देर में जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, उसकी सांस में सांस आई तो कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। उसकी नींद आते आते उस रात फिर से चली गई। घड़ी देखा तो सुबह के 5 बजे थे। करीबन घंटे भर के बाद सुबह हो जानी थी। बाहर जाके सोचा टीवी ही देख लिया जाए। टीवी एक बार फिर चला के अखिल बैठा गाने और न्यूज के चैनल बदल बदल के देखते देखते उसे एक बार फिर से एक झपकी आई। झपकी आते ही ऐसा लगा जैसे कोई उछल के उसके ऊपर कूदा हो और उसके दोनों हाथ पकड़ रखे हों और गले को दबोच रखा हो। ना तो अखिल के हाथ चल रहे थे और ना ही वो मदद को चिल्ला पा रहा था। सिर्फ घुटी हुई सी आवाज आ रही थी उसके गले से। आलम ये था कि अखिल ने आज छोड़ दी थी अपने जिंदा रहने की, कि ठीक तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल बजते के साथ ही अखिल के शरीर पर से वो दबाव अचानक से कम हो गया। अखिल ने दौड़ते हुए जाकर दरवाजे को खोला तो सामने उसकी बीवी थी जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने कहा कि मुझे रात को एक बहुत बुरा सपना आया कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी यहां चली आई और तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। कितनी बार मैंने फोन किया तुम्हें। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। अखिल के 15 दिन से हर कोने से बंद पड़े नए घर में कभी कबूतर मिले, कभी कुछ अजीब चीजें दिखी। गृह प्रवेश के वक्त पुजारी जी सीढ़ियों से गिर गए, उन्हें बहुत बुरी तरह से चोटें लगी थी। अखिल ने अपना फोन उठा के देखा
तो उसकी बीवी और पंडित जी के कई मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स पड़े थे। सुबह भी हो चुकी थी। अखिल ने तुरंत पंडित जी को फोन मिलाया। पंडित जी ने फोन उठाते ही कहा, तुरंत मेरे घर पहुंचो। और अखिल वहां अगले 15 मिनट में अपनी बीवी के साथ पहुंचा। पंडित जी ने बिना बात को घुमाए साफ साफ उससे कहा कि जजमान, उस घर में आप पैर भी मत रखना, घर को तुरंत खाली करवाओ और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, लेकिन ये काम किसी और से करवाना, तुम उस दरवाजे के अंदर भी मत जाना। अखिल ने पूछा कि ऐसा क्या है वहां जो कि वो पैर भी ना रखे, तो पंडित जी ने बताया, वहां कुछ तो ऐसा है जिसे पुरुषों से सख्त नफरत है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ और मुझे भी सीढ़ियों से फेंका गया, लेकिन किसी और को उस आत्मा ने अब तक छुआ नहीं, मुझे ठीक जैसे तुम्हें कल रात को ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम पर हावी हो रहा हो, मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। और उसके बाद रात को सपने में भी एक आवाज मेरे कानों में आकर कह रही थी, कोई नहीं आएगा उस घर में, तुम जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो, लेकिन ये याद रखना कि तुम उस घर में एक कदम भी नहीं रखोगे। वहां से निकलकर अखिल के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब वो उस घर को खाली कैसे करवाए। इतने में ही उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हें अगर पंडित जी की बात ठीक से याद है तो उस घर में किसी पुरुष के घुसने से प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मैं और मां हम दोनों मिलकर उस घर को खाली कर दें। अखिल नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी की जिंदगी दांव पर लगाए, पर उसके बार बार कहने पर अखिल मान गया। और इसी बीच उसने प्रॉपर्टी डीलर जिससे ये फ्लैट लिया था उनसे पूछा कि उस घर में कहीं कोई दिक्कत पहले भी हुई है, तो प्रॉपर्टी डीलर ने सारी बात बताई। दरअसल उस घर में करीबन 8 साल पहले एक लड़की जो वहां अकेली रहती थी, एक दिन बड़ी घिनौनी वारदात में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस घटना के बाद उसने उसी घर में सुसाइड कर लिया। उसके करीबन 2 साल बाद उस घर को मैंने किराए पे दिया, तो एक हफ्ते में पता चला जो कपल वहां रह रहे थे उसमें हस्बैंड की हालत काफी खराब हो गई थी, उन्होंने उस फ्लैट को छोड़ दिया। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और अब जब उस बात को 6 साल हो चुके थे तो मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ सही हो गया होगा। अखिल को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, घर का सामान सही सलामत शिफ्ट हो जाए इसके लिए उसके सास ससुर भी वहां गए, पर ससुर जी घर के नीचे ही खड़े रहे और उन्होंने घर की शिफ्टिंग का सारा काम करवाया। उस घटना के करीबन 1 महीने बाद अखिल और उसकी बीवी एक नई जगह शिफ्ट हो गए जहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई सिवाय एक चीज के, जो अखिल के घर में नहीं पर अखिल के सास ससुर के घर में हुई थी। अखिल के सास ससुर घर की शिफ्टिंग करवा के जब वापस अपने घर पहुंचे तो वहां उनके घर का सारा सामान बिखरा और टूटा हुआ पड़ा था और घर में एक कबूतर उड़ रहा था। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम पे एक कहानी
ऐसी भी प्रवीण के साथ। कहते हैं कि 1850 में बनी इस पेंटिंग को कोई भी 15 दिन से ज्यादा अपने पास रख नहीं पाया। इस पेंटिंग में एक बच्ची अपने हाथ में गुड़िया लिए घर के बरामदे से नीचे झांक रही है, जहां एक सड़क है और उस सड़क पर बहुत भीड़ है। मृत्युंजय प्रताप सिंह वो उन कुछ बिजनेसमैन में से थे जो बिजनेस में झूठ बोलना या कोई भी गलत वादे करना पसंद नहीं करते थे, और इन सबके साथ ही वो काफी दिलेर और निडर किस्म के इंसान थे। आर्ट एंड म्यूजिक का उन्हें बहुत शौक था। नई नई पेंटिंग्स, एंटिक्स, कॉन्सर्ट्स और पता नहीं किन किन चीजों का शौक था उन्हें। जहां जहां बिजनेस के सिलसिले में जाते थे एक घर खरीद लेते थे। मोरक्को का उनका घर वो जगह थी जहां वो साल में सबसे ज्यादा वक्त बिताते थे। उसी घर में एक दिन जब वो पहुंचे तो उनके हाथ में एक 3 करोड़ की पेंटिंग थी। नौकरों से कह के पेंटिंग अपने मास्टर बेडरूम में उन्होंने लगवाई। दिन भर की थकान के बाद जब मृत्युंजय सोने गए तो लेटने के कुछ देर बाद ही उठकर बाथरूम गए। फ्लश की आवाज जब बंद हुई तो पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक आवाज आ रही थी। बाथरूम के दरवाजे के ठीक पास एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उस गुड़िया को कहीं देखा था मृत्युंजय ने, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहां। उन्होंने उस गुड़िया को उठाया और उसके बटन को बंद कर दिया। इसके बाद मृत्युंजय पूरे घर में घूमे कि शायद किसी नौकर चाकर के बच्चे का हो, लेकिन उस रात पूरे घर में कोई नौकर भी नहीं था और ना ही कोई बच्चा। वापस कमरे में लौटे तो पेंटिंग की तरफ एक नजर गई। उसे देखकर एक बार को उन्हें ऐसा लगा जैसे शायद इसी में थी ये गुड़िया, क्योंकि इस वक्त उस बच्चे के हाथ में जो गुड़िया थी पेंटिंग में वो वहां नहीं थी। मृत्युंजय सिंह खुद की सोच पे ही हंस पड़े और फिर सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद उनके हल्की नींद में एक आवाज उन्होंने साफ साफ सुनी। नींद में शायद वहम हो उनका, ऐसा सोच के सिंह साहब करवट बदल के वापस लेट गए। थोड़ी देर बाद एक बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। सिंह साहब की नींद एक झटके से टूटी। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पूरे घर का चक्कर मारा था, उस वक्त वहां कोई नहीं था। सिंह साहब उठे और आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर गए। वहां कोई था तो नहीं, लेकिन बच्ची की रोने की आवाज लगातार आई जा रही थी। सिंह साहब को न जाने क्या सूझी कि वो वापस कमरे के अंदर गए। अंदर जाने पर उनकी नजर पेंटिंग पे गई। अब उस पेंटिंग में जो बच्चा थोड़ी देर पहले अपने बरामदे में खड़ा था वो बच्ची भी वहां नहीं थी। बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो वहां रखी गुड़िया दिखी। वो छट से गए, उन्होंने गुड़िया उठाई और कमरे के बाहर जिस हॉल से बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी वहां फेंक कर उसे दरवाजे को जोर से बंद किया। दरवाजे के बंद होने के साथ साथ बच्ची की रोने की आवाज भी बंद हो गई, और आई तो बस एक आवाज। रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। मृत्युंजय प्रताप ने अपने मोरक्को वाले घर में जब वो करोड़ों की पेंटिंग लगाई तो उनके घर के बाथरूम में उन्हें एक गुड़िया मिली, और थोड़ी देर के बाद उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। गौरतलब है
कि हॉल की बत्ती जलाने के बाद भी बच्चे के रोने की आवाज लगातार आ रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वापस कमरे में लौटे तो देखा उस पेंटिंग से वो बच्ची और उसके हाथ में जो गुड़िया थी वो दोनों ही गायब थे। न जाने उनको क्या सूझी कि उन्होंने गुड़िया ली और अपने कमरे से बाहर हॉल में फेंक दी और कमरे के दरवाजे को बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ बच्चे के रोने की आवाज भी बंद हुई और आई तो बस एक ही आवाज। सिंह साहब को उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पेंटिंग की तरफ बस रात भर देखते रहे और कब उनकी आंख लगी उन्हें भी पता नहीं चला। सुबह उठ के पहली नजर उनकी पेंटिंग पे गई। पेंटिंग देखते ही कुछ देर सोच में पड़े रहे और उसके बाद खुद ही पे हंस पड़े कि इसका मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो उनका सपना था, क्योंकि पेंटिंग में वो बच्ची और उसके हाथ में गुड़िया दोनों ही मौजूद थे। दिन भर में अपने बिजनेस का काम उन्होंने देखा और रात को एक बार फिर लौट के खा पी कर जब सोने का वक्त हुआ तो आंखें बंद करके थोड़ी देर सुस्ताए ही होंगे कि रात को एक बच्ची के खेलने की आवाज आने लगी। बिना वक्त गवाए नजर उनकी पेंटिंग पर गई तो वो बच्चा और गुड़िया दोनों पेंटिंग में नहीं थे। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि उन्होंने पेंटिंग का मुंह दीवार की तरफ घुमा दिया, दरवाजे को बंद किया और चुपचाप सोने चले गए। सुबह जब अलार्म से नींद खुली तो देखा कि दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था और दरवाजे के बगल में रखे सोफे पे एक बच्चा गुड़िया हाथ में पकड़े बैठा है। ये बच्चा एक बार उन्हें देखता और एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को, एक बार उन्हें, एक बार उस पेंटिंग को। करीबन एक मिनट तक यही सिलसिला चलता रहा। वो एक मिनट शायद सिंह साहब की जिंदगी का सबसे लंबा एक मिनट था। वो उठे और पेंटिंग उन्होंने वापस घुमा दी और पलट के देखा तो जो बच्चा अब तक गुड़िया हाथ में लिए सोफे पर था वो वहां मौजूद नहीं था। वापस घूमकर पेंटिंग की तरफ देखा तो बच्चा और गुड़िया पेंटिंग में वापस आ गए थे। सिंह साहब ने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। जिस ऑक्शन से उन्होंने पेंटिंग खरीदी थी वहां उन्होंने फोन किया तो उधर से बस एक ही जवाब मिला, अभी तो बस दो दिन हुए हैं, 16 दिन के बाद बात कीजिएगा। सारा दिन उस पेंटिंग के बारे में पता लगाने में चला गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात को वापस खाना खाके सिंह साहब आज सोने नहीं गए बल्कि कमरे की बत्ती जलाकर बैठे रहे। पूरे घर के नौकरों को उन्होंने छुट्टी दे दी थी और चलती लाइट्स के बीच में बैठे सिंह साहब काफी देर तक उस पेंटिंग को लगातार देखते रहे और आखिरकार उन्हें एक झपकी आई। झपकी लगते के साथ ही एक आवाज से उनकी आंख खुली। सबसे पहली नजर वापस उसी पेंटिंग पे गई। पूरी पेंटिंग खाली थी, ना ही वो गुड़िया, ना ही वो बच्चा और ना ही बरामदे से नीचे दिखती वो सड़क जहां पर कई सारे लोग थे।
93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। मृत्युंजय प्रताप सिंह एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो मोरक्को के अपने घर में एक पेंटिंग लेकर आए तो उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिनसे उनकी रातें बदल गई। रात होते ही उस पेंटिंग में बनी बच्ची और गुड़िया पेंटिंग से बाहर दिखने लगते और आज तो हद ही हो गई क्योंकि कुछ अजीब सी आवाजों के साथ उनकी नींद टूटी। उठ के कमरे से बाहर निकले तो कोई दिखा ही नहीं पर आवाज बहुत जोर से आ रही थी मानो जैसे वो जहां खड़े हैं बस उनके बगल में ही सब कुछ हो रहा हो लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पलटकर जब वो वापस कमरे में गए तो पेंटिंग पर नजर पड़ी जो पूरी की पूरी खाली थी। कोई कितना भी बहादुर और शेर दिल क्यों ना हो हर चीज की एक हद होती है और वो हद पार हो चुकी थी। सिंह साहब अपनी आंखों के सामने इस पूरे नजारे को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। सुबह नौकर जब कमरे में आए तो सिंह साहब फर्श पर बेहोश मिले। काफी देर की मशक्कत के बाद जब उन्हें होश में लाया गया तो उठते के साथ पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थी पेंटिंग। सुबह की रोशनी में पेंटिंग एक बार फिर पहले जैसी थी। मृत्युंजय ने इतना सब कुछ होने के बाद वही किया जो दूसरा कोई करता। वो सीधे अगली ही फ्लाइट से वापस मुंबई अपने घर आ गए। मुंबई में उनका एक पेंटहाउस अपार्टमेंट था एक 20 माले की हाई राइज बिल्डिंग पे। मृत्युंजय घर पहुंच के खुश थे कि अब कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे उन्हें ज्यादा परेशानी हो। वो बालकनी के पास बैठे अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे कि उनको अजीब सी आवाजें आई जैसे उनके घर के ठीक नीचे रास्ते पर कुछ हुआ हो। बालकनी से झांक के देखा तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। नीचे सड़क पे बहुत सारे लोग खड़े थे जो ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। गौर से देखा तो पता चला कि उनकी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। धुएं से उनके घर का फायर अलार्म बजने लगा। धीरे धीरे घुटन बढ़ रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को गोद में लिया और दौड़ते हुए नीचे की तरफ भागे। किस्मत अच्छी थी कि लिफ्ट बंद नहीं हुई थी। किसी तरह नीचे तक पहुंचे तो राहत की सांस आई। बिल्डिंग से निकल के अपनी बेटी को गोद से नीचे उतारा और नजारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ना तो यहां कोई भीड़ लगी हुई थी और ना ही उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी। ऊपर अपने फ्लैट की तरफ देखा बालकनी में वही पेंटिंग वाली बच्ची खड़ी नीचे झांक रही थी और उसके हाथ में एक गुड़िया थी। उसने ऊपर से गुड़िया फेंकी पर जब वो गुड़िया नीचे गिरी तो बुरी तरह से जली हुई थी। सिंह साहब ने ऊपर देखा तो वो बच्ची अभी भी उन्हें ऊपर से देख रही थी और वापस नीचे पड़ी गुड़िया को देखा तो ऊपर बालकनी में खड़ी उस बच्ची की एक आवाज उन्हें ठीक अपने कानों में सुनाई थी जैसे वो उनके ठीक बगल में खड़ी हो और उसने कहा थैंक यू। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। मृत्युंजय सिंह ने पेंटिंग खरीदने के बाद कभी नहीं सोचा था कि वो पेंटिंग ऐसी होगी। उसमें बनी बच्ची और उसके हाथ में जो गुड़िया थी वो रात होते ही उस पेंटिंग में ना होकर जिंदा हो जाते थे और सुबह वापस पेंटिंग में होते। जब इन सब से परेशान होके
उस पेंटिंग को अपने मोरक्को वाले घर में छोड़कर वापस मुंबई आए तो उनके 20 माले के फ्लैट से जान बचा के नीचे भागे, क्योंकि बिल्डिंग में आग लग गई थी। पर नीचे पहुंच के जब ऊपर देखा तो बिल्डिंग में कहीं आग नहीं लगी हुई थी और बालकनी में वो बच्ची गुड़िया लिए खड़ी थी। उसने ऊपर से ही वो गुड़िया फेंकी जो सिंह साहब ने उठाई तो पाया कि वो बुरी तरह से जली हुई थी। सिंह साहब को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने तुरंत अपनी फ्लाइट के टिकट्स बुक करवाई और वापस मोरक्को पहुंचे। इस बार शायद उन्हें पता था कि करना क्या है। देर रात वो बस उस क्षण का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी आंख लगी तो एक पुरानी आवाज से उनकी नींद टूटी। पूरे घर में जैसे कोई बाजार लगा हो और बाजार की आवाजों के साथ साथ कमरे के आखिर में एक कोने में बैठी वही बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए दिखी। सिंह साहब ने ये सारी चीजें इसके पहले भी देखी थी और महसूस की थी। सिंह साहब दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर गए तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीजें उनकी आंखों के सामने ही हो रही है, पर वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। पलटकर दोबारा अपने कमरे में गए तो देखा दीवार पर लगी पेंटिंग पूरी की पूरी सफेद थी। सिंह साहब ने कमरे में रखा एक कपड़ा उठाया और पेंटिंग पे घिसना शुरू किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पेंटिंग अभी भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। सिंह साहब ने इधर उधर देखा, जब कुछ समझ नहीं आया तो पास ही रखी पानी की एक बॉटल उठाई और पूरा पानी उस पेंटिंग पे उड़ेल दिया। पानी पेंटिंग पे फेंकते ही ऐसी आवाज हुई जैसे जलते तवे पर पानी फेंका हो किसी ने। बाजार की सारी आवाजें, उस बच्ची और उसके खिलौने की कोई आवाज अब नहीं थी। पूरे कमरे में बस धुआं ही धुआं भर चुका था। कुछ जलने की बू बहुत तेज आ रही थी उस धुएं में। और इन सब के बीच सिंह साहब की शर्ट किसी ने धीमे से खींची। पलट के उन्होंने नीचे देखा तो वही बच्ची हाथ में गुड़िया लिए खड़ी थी जिसने बस एक ही बात कही, थैंक यू। सिंह साहब ने धुएं में आंखें मली और आंखें खोली तो वो बच्ची वहां नहीं थी और ना ही कोई आवाज थी। उसी सन्नाटे में पलट के देखा तो पेंटिंग बिल्कुल पहले जैसी थी। उस घटना को आज 6 साल हो गए हैं। वो पेंटिंग सिंह साहब मोरक्को से अपने मुंबई वाले फ्लैट में ले आए और उस दिन के बाद से आज तक ऐसी और कोई घटना उनके साथ पेंटर ने अपनी आंखों से सड़क पे खड़े होकर ऊपर ताकते हुए उस बच्ची को देखा था जो वहां बालकनी में खड़ी अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी, पर उसकी बिल्डिंग में इस कदर आग लगी हुई थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। पेंटर की इसी कल्पना ने शायद कुछ पुराने जख्मों को हरा कर दिया था जो सिंह साहब की मदद से खत्म हुई। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।